हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंग्लिश की वर्कशीट। देखिए, क्लास थर्ड के लिए है, लेकिन जो लेवल है वो फोर्थ क्लास के बच्चे का आपको लगेगा, बट यहाँ पे मैंने लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, यानी कि जो स्टेटमेंट और मैंने सेंटेंस लिए वो थोड़े से बड़े लिए हैं। सो आई होप आप समझेंगे, और बच्चों को आप प्रैक्टिस के लिए दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपका बच्चा किस लेवल पर कर पा रहा है। देखिए, हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, तो आप इससे मत आकिएगा अगर आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब टू कम्प्लीट द सेंटेंसेज। हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ब को फाइंड आउट करना है इन सेंटेंसेज को कम्प्लीट करने के लिए। देखिए, पवन प्ले या प्लेज में से क्या आएगा? विद हिज सिस्टर। जो पवन है वो अपनी बहन के साथ खेल रहा है, तो प्ले या प्लेज। अब देखिए, जब भी थर्ड पर्सन होता है, जैसे पवन है या फिर हम कह सकते हैं ही शी इटो, उनके साथ वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा प्लेज। क्या कहा मैंने? ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या ई एस। ठीक है, और आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन के साथ हम कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओनली वर्ब आएगी, ना एस या ना ई एस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो हमने उसके साथ लगा दिया एस। आर टीचर्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है, टीचर्स है, यानी कि बहुत सारे, तो प्लूरल नाउन हो गया, तो यहाँ पे वर्ब ओनली सिट आएगा, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, नो एस ई एस। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। ओके, आई, अब आई के साथ मैंने क्या बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आई लाइक, इसमें एस वाली जो वर्ब है वो नहीं आएगी। आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। बर्ड्स, अब देखिए बर्ड्स है, प्लूरल है, बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो आई बर्ड्स लिव, जो पक्षी है वो रहते हैं इन नेट्स, घोंसलों में। दिस ऑथर, अब देखिए ऑथर सिंगुलर नाउन है, क्योंकि एक ही ऑथर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइट लिख के उसके साथ हम एस या ई एस लगाएंगे, राइट्स घोस स्टोरीज, यानी कि जो भूत वाली स्टोरीज है, तो ये ऑथर वो भूत वाली स्टोरीज लिखता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए ए एन और दी, ये आर्टिकल से है। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वॉटर, क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है? द बर्ड फ्लू अप टू एन एप्पल ट्री। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे द आएगा या ए आएगा, एन तो देखो आएगा नहीं, तो द और ए में देखिए, अगर मैं आपको कहती अ बर्ड फ्लू अप टू एन एप्पल ट्री, एक जो बर्ड है वो एप्पल के ट्री से, मतलब सेब के पेड़ से उड़ता है, ऐसा तो कंपल्सरी नहीं है, बर्ड तो किसी भी पेड़ से उड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे किन बर्ड के बारे में बात की गई है जो कि एप्पल के ट्री पे बैठे से, इसलिए हमने द यूज किया, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक उन बर्डों के बारे में बात हो रही है, उन पक्षियों के बारे में बात हो रही है जो कि एप्पल के ट्री पर बैठे थे। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स, घूमती है अराउंड द सन। व्हाट इज द, सॉरी यहाँ पे पहले ऑलरेडी फिल है, द टाइम बाय योर वॉच। अब किस वॉच के, किस टाइम के बारे में बात करें, जो उसकी घड़ी में है, जो उसकी घड़ी में, यानी कि एक स्पेसिफिक घड़ी के का टाइम पूछा है, तो इसमें आएगा भाई द। ठीक है, नेक्स्ट है, अ मैन इज एज फास्ट एज अ डियर, एक आदमी जो फास्ट होता है किससे? डियर से। क्वेश्चन थर्ड है, सर्कल द कलेक्टिव नाउन एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन इन दी सेंटेंसेस। देखिए, कलेक्टिव नाउन पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूं, और प्रॉपर कॉमन नाउन की वीडियो भी मैं बना चुकी हूं, तो देखिए जो कलेक्टिव नाउन होते हैं एक कलेक्शन को शो करते हैं, कलेक्टिव नाउन किसको शो करते हैं? कलेक्शन, थिंग्स का कलेक्शन शो करते हैं, और जो कॉमन नाउन होते हैं वो पूरी एक कैटेगरी को शो करते हैं, एक किसी भी पर्टिकुलर थिंग है या वस्तु। ओके, सो फर्स्ट हमारा, द मैन कैरिड अ बंडल ऑफ न्यूज़पेपर अंडर हिज आर्म्स, जो आदमी था वो ले जा रहा था बंडल। अब बंडल क्या है? कलेक्टिव नाउन है, और न्यूज़पेपर क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, किसी भी कॉमन व्यक्ति वस्तु थिंग को जब हम एक कॉमन नेम दे देते, किसी पूरी एक होल ग्रुप को हम एक कॉमन नेम दे दें, उसे ही हम कॉमन नाउन कहेंगे। I gave my mother a bouquet of flower. अब बुके क्या है? कलेक्शन है, क्योंकि बुके में बहुत सारे फ्लावर होते हैं, और फ्लावर्स यहाँ पे कॉमन नाउन है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से फ्लावर है, हमने तो सभी फूलों को एक नाम दिया है फ्लावर का। I have lost the bunch of key. तो बंच क्या है? यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, और कीज क्या है? कॉमन नाउन है।
देर इज अ पाइल ऑफ गार्बेज. तो पाइल क्या है? कलेक्टिव नाउन है, और जो गार्बेज है ये हमारा कॉमन नाउन है. आउटसाइड द गैरेज, तो गैरेज के बाहर क्या था? पाइल मतलब होता है ढेर, कूड़े का ढेर था. बंच का मतलब होता है गुच्छा, बंडल का मतलब भी होता है ढेर, और बुके मतलब कलेक्शन ऑफ फ्लावर. देर इज अ ह्यू क्राउड. नाउ क्राउड इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन. इन फ्रंट ऑफ एक्टर्स हाउस, सो जो एक्टर्स हाउस, अब हमें नहीं पता कि कौन सा है, तो द एक्टर हाउस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो हाउस है वो क्या है? कॉमन नाउन है. नेक्स्ट हमारा, चूज द करेक्ट एडवर्ब ऑफ द मैनर टू फिल इन द ब्लैंक्स. हमें यहाँ पे क्या भरना है? एडवर्ब भरनी है. मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये भी मैं पहले ऑलरेडी करा चुकी हूं. सो ही रन फास्ट एंड फास्टली बट मिस्ड द बस. तो क्या आएगा? फास्टली. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी हमारी एडवर्ब होती है उनमें एल वाई लगा होता है, तो ही रन फास्टली, वो बहुत तेज दौड़ा, बट जो ट्रेन थी वो मिस, बस जो थी वो मिस हो गई. द बॉय आंसर्ड, अब हंगरली तो होगा नहीं, तो क्या आएगा? रूडली. जो लड़के था उसने जवाब दिया कैसे? रूडली. यू शुड स्पीक पोलाइटली, क्या आएगा? पोलाइटली. पैट शुड बी लुक्ड आफ्टर लविंगली. लविंगली मतलब बहुत ही प्यार से, उनकी केयर से हमें देखभाल करनी चाहिए. मैनी पीपल ट्रीट एनिमल्स बैडली, ठीक है, क्या आएगा? बैडली. एट द प्रीफिक्स इन और आई एम इम टू दीज वर्ड्स टू फॉर्म देयर अपोजिट. सो देखिए, अब इनविजिबल तो नहीं होगा, इनविजिबल, इनएक्सपेंसिव या इनएक्सपेंसिव. इम्प्रॉपर, इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, इम्पॉसिबल. सो प्रीफिक्स क्या हो गया? जो वर्ड गिवन उनके आगे नए वर्डों को लगाकर जोड़कर उनके आगे लगेंगे. प्रीफिक्स मतलब आगे लगाकर एक नया वर्ड बनाना, ठीक है. राइट द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द नाउन्स. देखिए, मदर है तो हमें मेल इनका लिखना है, मैस्कुलिन मतलब मेल, तो मदर का क्या हो जाएगा? फादर. काउ का बुल, मेयर का हॉर्स, डॉटर का ब्रदर, क्वीन का किंग, और हेन का कोक, ठीक है. सो आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही. होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी. टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.